फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना प्याज और लहसुन के गुजराती थाली। और श्राद्ध का महीना स्टार्ट हो गया है तो हम बनाएंगे दूध पात, फिर गुजराती दाल, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी और स्टफ भिंडी जो कि एक ड्राई सब्जी है। इसके साथ चावल बनाएंगे, देन स्टफ्ड मिर्ची के पकोड़े बनाएंगे और गर्मा गर्म फूली हुई पूरियां बनाएंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम दाल और चावल को भिगो देंगे, जिसमें एक कप चावल लिए है और एक कप तूर की दाल ली है। फिर गर्म पानी डालकर ढककर साइड पर छोड़ देंगे ताकि हमारी दाल चावल अच्छी तरह से भीग जाए। और इसी के साथ एक बोल में 2 टीस्पून चावल लेंगे, इसको भी पानी से वॉश कर लेंगे और पानी डालकर भिगो लेंगे। इसका यूज हम दूध पाक में करेंगे। जब तक हमारे दाल चावल भीग रहे हैं, हम आटा गूंथ लेंगे। उसके लिए एक बोल में 4 कप आटा डालेंगे और हमारी पूरी को क्रिस्पी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून रवा, ये बारीक वाला रवा है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसको क्रश करके डालना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 2 चम्मच तेल डालकर पहले सूखे मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका सख्त आटा गूंथ लेंगे। परफेक्ट। अब थोड़ा सा तेल लेकर आटे को 2 मिनट के लिए मसल लेंगे। देखिए इतना टाइट रखना है। अब इसे ढककर साइड पर छोड़ देंगे और सबसे पहले हम ड्राई सब्जी बना लेंगे। ड्राई सब्जी का मसाला बनाने के लिए एक मिक्सर जार लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून सूखा नारियल, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, 2 टेबलस्पून बेसन को भून कर लिया है। अगर आपके पास भुना हुआ बेसन नहीं है तो इसमें आप बेसन की सेव या गाठिया भी डाल सकते हैं। अब रेगुलर मसाले डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ हींग, 1 टीस्पून साबुत जीरा और 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी। अब इसे हम क्रश कर लेंगे। परफेक्ट, हमारा मसाला तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे ताज़ा कटा हुआ धनिया और 2 टीस्पून तेल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें धनिया डाले बगैर इसको एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप 2 महीने के लिए फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ताज़ी भिंडी ली है। भिंडी को पानी से साफ कर लिया था, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लिया था, फिर ऊपर का और नीचे का हिस्सा कट कर लिया था और बीच में इस तरह से स्लिट लगा ली थी ताकि इसमें हम मसाला स्टफ कर सकें। इसी तरह से मैंने सारे भिंडी को तैयार कर लिया है। यहाँ पर कुछ भिंडी मैंने स्टफ़ करके तैयार कर दी है और थोड़ा सा मसाला मैंने साइड पर रख दिया था। उसका यूज़ कहाँ करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म होते ही 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और चुटकी भर हींग डालेंगे। फ्रेंड्स, इस सब्जी में मुझे राई का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो मैंने स्किप किया है। अगर आपको पसंद है तो आप राई भी डाल सकते हैं। हमारा जीरा चटक गया है। अब सारी भिंडी को इस तरह से असेंबल कर देंगे और ऊपर भिंडी के हिस्से का थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बीच बीच में इस तरह से मिक्स कर लेना है। जब तक हमारी सब्जी कुक हो रही है, यहाँ पर एक पॉट लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पानी और 1 लीटर फुल फैट मिल्क डालेंगे। अब इसे गैस पर चढ़ाएंगे और 1 उबाल आने तक गर्म करेंगे।
तब तक साइड में हम सब्जी देख लेंगे। परफेक्ट। सब्जी को पकाते हुए मुझे यहाँ पर सिर्फ 12 से 13 मिनट हुए हैं और हमारी भिंडी एकदम सॉफ्ट हो गई है, यानी कि अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब लास्ट में 1 टीस्पून नींबू का रस, ताजा कटा हुआ धनिया और ऊपर से थोड़ा सा हमारा मसाला स्प्रिंकल करेंगे जो हमने स्टफ किया था। इस तरह से टॉस कर लेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक कर पका लेंगे। 1 मिनट हो चुकी है और हमारी सब्जी तैयार है। अब इसे नीचे उतार लेंगे और दूध पाक देख लेंगे। हमने बोल में जो चावल रखे थे वो भी अच्छी तरह से भीग गए हैं। अब इसका पानी निकाल देंगे और इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और वो है 1 टीस्पून घी। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि चावल भीगे हुए हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। परफेक्ट। और हाँ, सबसे जरूरी बात, यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं, दूसरे कोई चावल नहीं लेने हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हमारे दूध में भी अच्छा सा उबाल आ गया है। एक बार कड़छी से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हमारे चावल। फ्रेंड्स, इस तरह से चावल डालने से क्या होगा, चावल को कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और हमारा दूध पाक फटाफट रेडी हो जाएगा। और इसी के साथ फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे। केसर वैसे ये ऑप्शनल है लेकिन इसका टेस्ट मस्त आएगा। एक बार मिक्स कर लेंगे और चावल कुक होने तक इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर उबाल लेंगे। बीच बीच में मिक्स करते जाएंगे। देखिए, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और हमारे चावल ऊपर आकर नाचने लगे हैं। इसका मतलब ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और दूध भी हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू बादाम और पिस्ता लिए हैं और मेरी फेवरेट चिरौंजी। चिरौंजी हमारे घर में सबसे ज्यादा पसंद आती है और दूध पाक में चिरौंजी जाते ही है। और 1 कप चीनी ऐड करेंगे। जब चावल अच्छी तरह से कुक हो जाए उसके बाद ही चीनी डालनी है। अब इसे चीनी घुलने तक कुक करेंगे। बीच बीच में इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके ना। अब जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आपको चीनी का मेजरमेंट प्लस माइनस करना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसे और पका लिया था और देखिए, केसर का कलर भी अच्छा आ गया है और हमारा दूध पाक भी गाढ़ा हो गया है। इससे गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब लास्ट में 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट। हमारा दूध पाक रेडी है। इसको हम नीचे उतार लेंगे और फटाफट दाल बना लेंगे। देखिए, हमारी दाल अच्छी तरह से भीग गई है। उसमें से सारा पानी मैंने निकाल दिया था। अब इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जब हम दाल उबालेंगे तो वो कुकर में से बाहर नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमने 1 कप तूर दाल ली थी, उसके सामने 2 कप पानी ऐड करेंगे। जिस कप या कटोरी से आप दाल लेते हैं उसी से नाप के आपको पानी डालना है। और ये मैं काठियावाड़ी स्टाइल में बना रही हूँ तो इसमें मूंगफली तो जाएगी ही। यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली को एक बोल में निकाल लिया था और इसे पानी से साफ कर लिया था। अब इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे। अब इस बोल को कुकर के अंदर रखेंगे और ढक कर मीडियम फ्लेम पर 4 विसल लगा लेंगे और दूसरे गैस पर हम चावल बना लेंगे, जिसमें एक पॉट में 1 टीस्पून घी डालेंगे और चावल को थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 साबुत काली मिर्च और 1 लौंग। इससे ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं। अब चावल का पानी निकाल कर इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, एक बार ये चीजें डालकर देखना, आपके चावल एकदम फ्लेवरफुल बनेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब जितने चावल लिए हैं उससे 3 गुना पानी डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और चावल को उबालते हुए कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिसको डालने से आपकी रसोई का जायका बदल जाएगा। सिर्फ 4 मिनट हुए हैं और हमारे चावल 90% तक कुक हो गए हैं। अब लास्ट में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नींबू का रस। और
और इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे। परफेक्ट। अब इस तरह से इसके ऊपर ढक देंगे ताकि हमारे चावल ऊपर से ड्राई ना हो। ये प्रोसेस करने से आपके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। अब इसे साइड पर रख देंगे और हम आलू की सब्जी बना लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम आलू की सब्जी बनाते हैं, सबकी कंप्लेंट होती है कि आलू अंदर से फीके लगते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलू लिए थे, इसको साफ कर लिया है। अब आते हैं ट्रिक के बारे। इस तरह नाइफ लेकर अंदर चीरा लगा देंगे। अब एक कुकर लेंगे, इसके अंदर आलू डालेंगे और ऊपर से डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। उसके बाद पानी ऐड करेंगे, आलू को नमक वाले पानी में 3 विसल आने तक कुक करेंगे। इससे आपके आलू बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे। परफेक्ट। हमारी दाल अच्छी तरह से गल गई है। अब इसमें से मूंगफली को निकाल देंगे और दाल के अंदर डालेंगे 1 से 2 ग्लास जितना पानी और ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और कुकर में ही सारे मसाले डाल देंगे, जिसमें सबसे पहले डालेंगे 2 चम्मच गुड़। फ्रेंड्स, गुजराती दाल कई अलग अलग तरह से बनाई जाती है। आज जो मैं बना रही हूँ वो काठियावाड़ी स्टाइल है और मेरे घर में चीनी की जगह गुड़ डालते हैं। आप भी एक बार इस तरह से ट्राई करना, आप इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, अदरक को कूट कर लिया है, इसमें अदरक ज्यादा जाएगा, उसका टेस्ट एकदम मस्त आएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और 1/2 ग्लास पानी डालेंगे, क्योंकि दाल को हम उबालेंगे तो वो और भी गाढ़ी हो जाएंगे। और अब जाएगा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट और वो है 1 टीस्पून अचारी मसाला, जिसको हम गुजराती में मेथिया मसाला बोलते हैं, वही डालना है। फ्रेंड्स, एक बार ये मसाला डालकर देखना, इसका टेस्ट सुपर आएगा। अब इसे दूसरे गैस पर उबालने के लिए रख देंगे और हम दाल का तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए एक तड़का पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 2 टीस्पून तेल और 1 टीस्पून घी। घी गरम होते ही छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता और 1 टीस्पून साबुत मेथी दाना डालेंगे। इसके साथ साथ 2 टीस्पून राई और 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। राई और जीरा चटक जाए तो थोड़े से कड़े पत्ते ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने 1 टमाटर और 2 तीखी हरी मिर्च को काट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा अदरक डालेंगे, हमने उबालने में भी अदरक डाला है और तड़के में भी डालेंगे, दोनों का टेस्ट डिफरेंट आएगा लेकिन मस्त आएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको कुक कर लेंगे। सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको हम दाल के अंदर ऐड करेंगे और साथ साथ मूंगफली भी ऐड कर लेंगे। मूंगफली को पानी के साथ ऐड करना है। तड़का डालने के बाद दाल को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आपको पसंद है तो यहाँ पर आप इमली भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इमली को स्किप कर रही हूँ क्योंकि लास्ट में हम नींबू का रस डालेंगे। देखिए, सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और हमारी दाल अच्छे से उबल गई है और मेरे किचन में मस्त खुशबू आ रही है। यहाँ पर नमक और गुड़ को टेस्ट करके एडजस्ट कर लेना है। अब लास्ट में ऐड करेंगे 1 नींबू का रस और मेरा दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट और वो है 1 चम्मच घी। फ्रेंड्स, ये 1 चम्मच ना इस दाल का हीरो इंग्रेडिएंट है, इसलिए इसे बिल्कुल स्किप मत करना। और मेरा फेवरेट ताजा कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब मिक्स कर लेंगे और दाल को साइड पर रख देंगे। फटाफट आलू की सब्जी बना लेंगे। उसके लिए एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होते ही 2 लौंग, 1 छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, राई, जीरा और हींग ऐड करेंगे। राई अच्छे से चटक गई है, थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च को मैंने कट करके लिया है, वो ऐड करेंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे।
ताजा कटा हुआ धनिया डालेंगे और उबले हुए आलू को मैंने रफली कट कर लिया था वो ऐड करेंगे। इसमें से मैंने छोटा आलू निकाल कर साइड पर रख दिया था। अब एक बार मिक्स कर लेंगे और आलू के हिस्से के मसाले डालेंगे, थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी डालेंगे। आज हम बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं। अगर आप लहसुन के साथ बनाना चाहते हैं तो इस वक्त लहसुन की चटनी डाल देनी है। अब बिना पानी डाले इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद इसमें 1/2 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे और आलू को उबालने के बाद मैंने उसमें से आधा आलू साइड पर निकाल लिया था, उसको हाथों से मैश करके डालेंगे। ये आलू ना हमारी सब्जी में ग्रेवी का काम करेगा। थोड़ा सा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि आलू के साथ सारे मसाले अच्छी तरह से मर्ज हो जाए। परफेक्ट, 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी तैयार है। यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा रसा की ज़रूरत है थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। अब लास्ट में नींबू का रस और धनिया ऐड करेंगे। तो तैयार है हमारी आलू की सब्जी। अब फटाफट स्टफ मिर्ची के पकोड़े बना लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने मिर्ची ली है, ये ज्यादा तीखी नहीं होती है। स्टफ मिर्ची के पकोड़े बनाने के लिए यही मिर्ची लेनी है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और बीच में इस तरह से स्लिट लगाएंगे और चम्मच का जो पीछे का हिस्सा है उससे हम सारे सीड्स इसमें से निकाल देंगे। अब हमने जो भिंडी बनाई थी उसी मसाला को हम मिर्ची के अंदर स्टफ करेंगे। एक ही फिलिंग से आप 2 टाइप की डिशेस तैयार कर सकते हैं। अब फटाफट इसका बैटर बना लेंगे। आज मैं आपको एकदम इजी मेथड बताऊंगी। यहाँ पर एक मग लिया है, आप नॉर्मल स्टील का ग्लास भी ले सकते हो। इसमें हम 1 कप बेसन डालेंगे और इसी के साथ 1 चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे। अब मसाले में डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ हींग और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। 1 टीस्पून गरम तेल ऐड करेंगे। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका थिक बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर बैटर ज्यादा पतला नहीं रखना है। परफेक्ट, देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इस तरह से मीडियम थिक बैटर तैयार करना है। अगर यहाँ पर आपको बैटर पतला लगे तो थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। अब स्टफ्ड मिर्ची लेंगे और अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तेल भी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम पकौड़े डाल देंगे। पकौड़े डालते वक्त गैस का फ्लेम हाई रखना है और फटाफट इसको मीडियम कर देना है। फ्रेंड्स, आज हम इस पकोड़े में मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, इनो कुछ भी नहीं डालेंगे और इसमें हमने चावल का आटा डाला है तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मसालेदार बनेंगे। इसी तरह से बाकी के पकोड़े भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से बनाने से थोड़े से बैटर में आप फटाफट पकोड़े बना सकते हो। देखिए ये दोनों तरफ अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं है। इसको निकाल लेंगे और फटाफट पूरी बना लेंगे। हमारा पूरी का आटा भी एकदम सेट हो गया है। इसमें से पूरी की लोइयां काट लेंगे और मीडियम साइज की पूरी बेल लेंगे। जिसमें हमने भजिया फ्राई किए थे उसी में पूरी डालकर उसे भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। परफेक्ट, हमारी पूरी भी एकदम फुली फुली बनी है। तो हमारे सारे एलिमेंट्स रेडी है तो फटाफट इसको सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, श्राद्ध का महीना चल रहा है तो एक बार मेरी तरह से ये गुजराती थाली बनाकर देखना, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी।